हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं सिंपल सा बिगिनर फ्रेंडली विंग्ड आईलाइनर लुक को क्रिएट करूंगी और ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है और मॉनसून के लिए परफेक्ट है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने फेस को टोन करूंगी, जिसके लिए मैंने गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर इस्तेमाल किया है। ये फेस में एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इस्तेमाल किया है, मेरा शेड है वार्म न्यूड। और ये फाउंडेशन मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एकदम वाटरप्रूफ है, स्वेट प्रूफ है और मॉनसून के लिए परफेक्ट है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल पैची ना दिखे। और उसके बाद मैंने अपने नेक पर भी इसे अप्लाई किया है, क्योंकि अगर नेक पर नहीं अप्लाई करते हैं तो नेक और फेस का जो कलर है वो अलग से दिखता है। फिर मैंने मेबेलिन का फिट मी कंसीलर इस्तेमाल किया है इन दी शेड सैंड, और ये कंसीलर मैं डॉट डॉट्स में अप्लाई करूंगी ताकि ब्लेंड अच्छे से हो और कुछ भी क्रीज ना हो। उसके बाद मैंने फिंगर से ब्लेंड किया है ताकि मुझे फुल कवरेज मिले। फिंगर को मैंने ड्रैग भी नहीं किया है, बस डैब डैब किया है जहाँ पर मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और अपने अंडर आईज़ पर मैंने इस कंसीलर को अप्लाई किया है। और आप लोग देख सकते हैं कि डैब डैब करते हुए अप्लाई करने पर मुझे फुल पिगमेंटेशन मिला है। फिर मैंने बेकिंग के लिए जस्ट नॉर्मल जो जॉनसन्स बेबी का पाउडर है उससे मैंने अंडर आईज़ को और अपने जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है और जहाँ पर मैं हाईलाइटिंग चाहती हूँ वहाँ पर मैंने बेकिंग के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया। तब तक मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी, जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है ADS का ब्लैक आईब्रो पेंसिल। अगर आपके आईब्रोज बहुत ही लाइट है तो आप कोई डार्क ब्राउन का पेंसिल इस्तेमाल करें। और मैंने सिर्फ अपर स्ट्रोक्स पर अपने आईब्रोज के जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पर फिल किया है, और उसके बाद मैं एक स्पूली की मदद से ब्रश आउट कर दूंगी ताकि प्रोडक्ट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। फिर मैं एक नॉर्मल स्पंज टिप एप्लीकेटर से एक लाइट पिंक कलर अपने होल आईलिड पर अप्लाई करूंगी। बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, और ऐसे पिंक कलर्स अगर आप अपने होल आईलिड पर अप्लाई करें तो ये ब्यूटिफुल लगता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लैक्मे का जो लाइनर है उससे मैं इस तरीके से आईलाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे आईलाइनर को अपने जो अपर लिड पोर्शन है, मतलब सेंटर लिड पोर्शन है, वहाँ से मैं आईलाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ और अच्छे से एक विंग्ड ड्रॉ कर रही हूँ, और उसे मैं फिल इन करूँगी। और फिर धीरे धीरे मैं फ्रंट पोर्शन पर अपने इनर कॉर्नर्स पर लगाऊंगी। इनर कॉर्नर्स पर एक लाइट सा आईलाइनर चाहिए, उतना ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने मेबेलिन का मस्कारा इस्तेमाल किया एंड NYB का जो कोल स्टिक है उसे मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पर ही अप्लाई करूंगी। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से मेरा आई मेकअप टर्न आउट हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं। मैं लाइट कॉन्टूर करूंगी अपने नोज़ को, जिसके लिए मैंने बॉन्जोर पैरिस का जो ब्राउन आई पेंसिल है उसका इस्तेमाल किया है, और अपने फिंगर की मदद से इस तरीके से मैं ब्लेंड आउट करूंगी। हार्श कॉन्टूरिंग बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जस्ट लाइट कॉन्टूरिंग करें। एक्सेस पाउडर को मैं रिमूव कर दूंगी, और उसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया है और बहुत ही एक लाइट सटल ब्लश अप्लाई किया है। यह ADS का ब्लश, इसमें थोड़ा सा शिमर भी है, और इस ब्लश को सिर्फ आप स्माइल कीजिए और अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पर अप्लाई कीजिए। हुडा ब्यूटी का जो लिपस्टिक है इन द शेड ऑरेंज, मैंने उसे अप्लाई किया है, और ये बहुत ही प्रिटी शेड है। मैंने पिंक अप्लाई नहीं किया क्योंकि पूरा मेरा जो ड्रेस है वो भी पिंक है, मेरे जो आईज़ है उसमें भी पिंक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड किया ताकि बहुत ही अच्छा लुक मिले। एंड गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। अगर आपको ये बिगिनर फ्रेंडली लगा और अगर आपको इस लुक को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, शेयर कीजिए, और हाँ, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।